लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पीड़ित परिवार पहुंचा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी इस दौरान मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की मुलाकात, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार सीएम आवास पहुंचा और सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी उनके साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की मुलाकात हुई। अमेठी हत्याकांड के मामले को लेकर ये बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, लखनऊ से ये अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेठी हत्याकांड का ये बड़ा मामला, अब इसको लेकर आज पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। ये तस्वीरें सीधा लखनऊ से सामने आ गई है। सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी उनके साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अमेठी हत्याकांड का ये मामला है जहां एक साथ परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार के लोग सीएम आवास पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी इनके साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें भी सीएम आवास से सामने आ गई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लखनऊ से सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं जहां अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर पीड़ित परिवार आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी मौजूद नजर आ रहे हैं।